ओलंपिक में महज 6 मेडल पर सिमटे भारत का पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने 29 मेडल जीतकर बढ़ाया मान। आखिरी दिन है जेवलिन थ्रो में नवदीप ने जीता गोल्ड। ओलंपिक मेडल टैली में 71वें स्थान पर रहे देश को दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18वें सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाया। भारतीय पैरालंपिक समिति चीफ ने पूरा किया 28 मेडल लाने का वादा। पैरालंपिक खिलाड़ियों पर खर्च होता है ओलंपिक खेलने वाले देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से कई गुना कम बजट। पेरिस ओलंपिक में महज 6 मेडल के साथ दुनिया में 71वें स्थान पर रहे भारत को देश के दिव्यांग खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में 29 मेडल के साथ 18वें स्थान तक पहुंचाया। देश के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में जहां एक भी गोल्ड नहीं जीत सके, वहीं पैरालंपिक खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण पदक के साथ 9 सिल्वर व 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते। आखिरी दिन जेवलियन थ्रो में नवदीप सिंह ने देश के लिए गोल्ड जीता और पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन तक भारत मेडल टैली में 18th पोजीशन तक पहुंच चुका था। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों पर जहां सरकार पैरा एथलीट से कई गुना ज्यादा बजट उनकी कोचिंग व अन्य सुविधाओं पर खर्च करती है, वहीं देश की जनता और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहे और कई बार इनसे सीधी बात भी की। पैरालंपिक में भारत पहली बार 7 गोल्ड के साथ 29वें स्थान पर पहुंचा है और देश के दिव्यांग खिलाड़ियों का यह अब तक का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन है। बेशक देशवासियों में भारत का नाम रोशन करने वाले पैरा एथलीट के लिए ओलंपियन व क्रिकेटर जैसा क्रेज नहीं है, मगर शारीरिक रूप से अक्षम इन खिलाड़ियों ने अपने 100% परफॉर्मेंस में कोई कसर नहीं छोड़ी और अकेले एथलेटिक में ही 17 मेडल झटके। भारतीय पैरालंपिक समिति के प्रमुख ने खेल शुरू होने से पहले 28 तक मेडल जीतने का वादा देश से किया था, जो वह आज पूरा कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के भी है कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ी जहां बिना गोल्ड के महज 6 मेडल पर सिमटे, वहीं विनेश फोगाट जैसे कुछ खिलाड़ी पेरिस से लौटकर सीधा चुनाव में कूदे और इन लोगों का ध्यान खेल की बजाय सियासत पर ज्यादा रहता है। बहरहाल मेडल टैली में देश को 18वें स्थान पर खड़ा कर दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपना काम कर दिया है और अब लौटने पर इन्हें ओलंपिक खिलाड़ियों जैसा सम्मान सरकार व जनता से मिलता है या नहीं, यह देखना अभी बाकी है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो यह है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बेंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।